कैसे हैं सारे बच्चे? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो जल्दी से यहाँ पे सारे बच्चे आ जाएंगे। आज हम अपनी नीट क्रैश कोर्स की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम एनिमल किंगडम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को एनिमल किंगडम एंड तक याद करने में दिक्कत आती है। बच्चे, जो भी आपने ट्रिक्स बनाई हैं, उन ट्रिक्स को बार बार देखते रहिए। एंड इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट चीजें याद होती रहेंगी। चलो, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे। इस चैप्टर में से क्वेश्चन वही है भाई, सीधा सीधा सारे के सारे फाइलम्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सबके, सबके साइंटिफिक नेम के साथ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो बच्चे, लिन, स्नेहा, गुरु, चलो चलो आ जाओ। गुड इवनिंग, जल्दी से सारे बच्चे आ जाएंगे। कम ऑन, फटाफट। गुड इवनिंग सोनम, कैसे हो यार? हाउ आर यू? गुड। कमलेश, हेलो बच्चे, चलो जल्दी से आ जाओ यार, फटाफट फटाफट आ जाओ यार। आपको पता है ये क्लास 4 PM पे होती है एंड मैं आपको बोलती हूँ टाइम पे आ जाए करो, क्योंकि टाइम पे आओगे तो क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे टाइम से, है ना? चलिए, और कौन कौन आया है? गुड इवनिंग राकेश, गुड इवनिंग विष्णु, अनुप्रिया, सोनम, चलिए चलिए। यश, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाओ आ जाओ। और यार जल्दी से 2 मिनट, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं बच्चों का, फिर स्टार्ट करते हैं। कमलेश, बच्चे ये क्लास डेली 4 PM को स्टार्ट होती है, डेली 4 PM लाइव ऑन ऐप, ऑन यूट्यूब, डेली लाइव क्लास। ठीक है, सुधांशु गुड इवनिंग, प्रीति गुड इवनिंग, बच्चे चलो आ जाओ, और बहुत सारे बच्चे रहते हैं अभी। नहीं बेटा, कल क्लास नहीं थी। सौरभ, श्वेता, शुभम, कुणाल, सोनम, डॉक्टर सोनम, दो सोनम है, एक डॉक्टर सोनम। चलो, एक बच्चे का नाम है राया, राय, रिया, रिया, ओके, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। श्वेता, क्लास नहीं दिख रही, चलो भाई आ जाओ आ जाओ, अब मुझे सब दिख रहे हैं। साक्षी, यू वर नॉट देयर इन सैटरडेज क्लास। स्नेहा, जी बेटा, जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसके साइंटिफिक नेम जो पूछे हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, देखिए कितने सारे आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके पुराने वाले फाइलम में, मतलब पहले के इनवर्टिब्रेट्स के, तो सबको आपको साइंटिफिक नेम से ही याद करना है और उसी के हिसाब से एग्जाम्पल होंगे। नाउ मुश्किल कहाँ पे आती है? एव्स, मैमल, रेप्टाइल्स, वहां पे आपको साइंटिफिक नेम नहीं याद होते, आपको जनरल नेम से याद होता है। तो उन क्वेश्चंस को भी करेंगे जिसमें साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं, तो आप देखिएगा। ठीक है, चलो चलिए बेटा। शुभम, यस, कोई बात नहीं यार, अच्छा अच्छा मैं समझ गई, सलमान सर की क्लास थी, चलिए। ओके, इट्स राया, ओके ओके बेटा, राया, फाइन। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। कुसुम, हाय बच्चे, चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारी क्लास में आज एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस करेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ, एनिमल किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे फाइलम इंपॉर्टेंट है, और बेटा उनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फाइलम के कोई पिक्यूलियर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीनोफोरा का कहूँ कॉम्प, तो बेटा उसमें आपके इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं। अगर मैं स्पॉन्जेस की बात करूं, पॉरीफेरा की बात करूं, तो उनके जो स्पॉन्जेसील कैविटी, उनके कियानोसाइट सेल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो नाइडेरियंस भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से आपको मेटाजेनेसिस, तो सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। साहेब, अब ही हैज ऑल्सो एंटर्ड द क्लास। चलिए, सो देखते हैं बेटा, यहां पे आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है।
कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, और ये कह रहा है कि कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ये अबव फीचर्स अवेलेबल हैं। हेलो बच्चे मार 1727, चलो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंड सभी बच्चे क्वेश्चन के आगे, आंसर के आगे क्वेश्चन नंबर लगाना जरूर। गुड इवनिंग बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर वन। फीचर्स दे रखे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रू सीलोमेट्स, सेगमेंटेशन। यस बेटा, ओके ऑलराइट। फर्स्ट का बी आया है, बहुत सारे बच्चों का, सबका बी आंसर आया है, वेरी गुड। सो एवरीबडी हैज आंसर्ड बी, बिल्कुल शुभांगी, ओके बेटा, चलिए बेटा वेरी गुड, एवरीबडी इज एब्सोल्यूटली राइट। देखिए ये कह रहा है ऑर्गन लेवल, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रू सीलोमेट्स। सो हमारे कौन कौन से फीचर्स होते हैं बेटा? सबसे पहले तो आप ये चीज याद रखो कि सबसे सिंपल जो होते हैं दैट इज पोरीफेरा, इनके पास ना ही तो टिश्यू लेवल है, ना ही कोई सिमेट्री है, ये बच्चे एसिमेट्रिकल होते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक इनके पास कुछ भी नहीं है। नाउ अब इसके बाद आपके पास आते हैं नाइडेरियंस, नाइडेरियंस एंड आपके पास टीनोफोरा। तो ये जो दोनों सी के साथ है, सी से शुरू होते हैं, इनमें बेटा रेडियल सिमेट्री, इनमें डिप्लोब्लास्टिक है, और इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। अभी तक ना ही ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हुआ है, ना ही बायलेटरल सिमेट्रिकल शुरू हुई है, कुछ अभी तक शुरू नहीं किया। सो दीज हैव टिश्यू लेवल, डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल। देन बेटा दूसरी तरफ मेरे पास आ जाता है प्लैटी हेलमिंथेस। देखिए फीचर्स कैसे याद करने हैं वो बता रही हूं। प्लैटी हेलमिंथेस में आपके पास क्या आता है? अब यहां से सबसे पहले बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है, और यहीं से आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो जाती है, एंड यहां से आपके पास ऑर्गन लेवल भी स्टार्ट हो जाता है। हालांकि अभी सीलम नहीं आया। नाउ प्लैटी हेलमिंथेस के बाद आते हैं एस्कल हेलमिंथेस, राउंड वर्म्स। यहां पे सबसे पहले स्यूडो सीलोमेट आया, और उसके बाद अब आएंगे एनालिडा, जिनके एनालिडा के बाद आपके आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा, देन यू हैव मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो उन सबके पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। एक पॉइंट आपको याद और रखना है, एकाइनोडर्मेटा में केवल लार्वे में बायलेटरल सिमेट्रिकल है, नहीं तो एकाइनो में भी रेडियल सिमेट्री होती है। सो बी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा सारे बाद वाले हैं, बिल्कुल सही आंसर। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर टू। बिल्कुल मनीषा, अस्मित, अपर्णा, राजीव, शुभम, साक्षी, कुसुम, अजीत, यस बच्चे आ जाओ अब ये सबके आंसर भाई सही हैं, सब सब एवरीबॉडी सबने बी आंसर बिल्कुल सही दिया है। ठीक है रवि बच्चे, ये क्लास नीट क्रैश कोर्स की क्लास है, जहां पे हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं सारे चैप्टर्स को, बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। सो ये डेली क्लास होती है आपकी 4 PM, डू अटेंड द क्लास। ठीक है चलिए, सूफी स्नेहा बिल्कुल सही है बेटा बी, क्वेश्चन टू का आंसर बताओ। ओके सो डॉक्टर सोनम जी कह रही हैं मैम डी होगा आंसर, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम बी बी, ओके राजीव और डी दिया है, कुछ बच्चे बी, कुछ बच्चे डी, साक्षी डी, और राइट मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन डी। चलो भाई चेक करते हैं, चेक करते हैं बेटा सीलोमेट, अभी मैंने आपको बताया था एनालिडा से शुरू होता है, एस्किल हेलमिंथस सूडो सीलोमेट स्टार्ट होगा, इसके बाद एनालिड जाएंगे, तो उसके बाद सब में सीलम आ जाएगा, ट्रू सीलम। ठीक है तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा जिसने बी लिखा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे, एस्किल हेलमिंथस में स्यूडो सीलम होता है और क्वेश्चन में ट्रू सीलम की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री। यस चलो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर देंगे। यस बेटा नामिका साहेब, सुधांशु, अजीत, सूफी, रवि, गुरु, कोई नहीं बेटा, शुभम, देवीलाल, चलिए बेटा सोनम, अस्मित, शुभांगी, फटाफट फटाफट, अपर्णा इसका आंसर दीजिए, थ्री
3 का आंसर एंड क्वेश्चन नंबर भी होना चाहिए. शिवाशीष मिस्ड सम क्लासेस, चलिए कोई नहीं, 3 का आंसर बी देते हो, चलो ओके चेक करते हैं. बी दिया है अपर्णा ने भी, बी दिया है सौरभ ने, सी दिया है. चलो और बाकी बच्चे यस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3 का ए ओके. Some people has given B, Manisha, all right. चलिए चेक करते हैं. Bilateral symmetrical कह रहा है और A coelomate कह रहा है. बेटा ऐसा एक ही होता है. Bilateral symmetrical आपकी start हो रही है platyhelminthes से और उनके पास coelom नहीं आया, organ level आया है. So answer is बच्चे B, platyhelminthes. विष्णु बच्चे नहीं, यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी क्लासेस होती हैं. ठीक यही कोर्स आपका 12:30 बजे पार्थ और पार्सर एंड पूजा मैम के साथ आपकी ये क्लास होती है 12:30 बजे. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, आपको मैच करना है इनके साथ. चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4th बेटा. वेरी इजी, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, आपको कुछ पॉइंट्स बच्चे याद होंगे. चलिए तो यहाँ पे बी मिला है आंसर, शिवाशीष ने ए दिया है, राजीव ने ए दिया है बी बी ओके. सो ए वाले बच्चे कौन कौन है, ए वाले बच्चे कौन कौन है, ओके बहुत सारे हैं, साहेब, साक्षी, सुधांशु, ओके गुरु. चलिए बेटा देखिए ए वाले 557 और ए वाला बच्चा बिल्कुल सही है साहेब. चलिए बेटा कुसुम, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर. देखेंगे बेटा सबसे सिंपल तो यार मुझे पता है क्या याद हो जाता था, ये जो टॉर्पिडो और ट्राइगॉन है ये तो मुझे यूं याद होते थे. ठीक है मतलब दिमाग में रहता ही था कि ट्राइगॉन जो है ये मेरा पॉइजनस स्टिंग है. अब यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, डी के साथ 1 ये और ये. ठीक है चलिए अब मेरे को ये भी याद हो जाता है कि जो एयर ब्लैडर है वो ऑस्टियस साइट में थाइस में होता है, तो सी के साथ बेटा 4 आ गया. वाई, कॉन्ड्रिस थाइस के बाद ऑस्टियस थाइस आती है, कॉन्ड्रिस थाइस के पास एयर ब्लैडर नहीं था तो ये बिचारी फिशेस को हमेशा तैरना पड़ता है ताकि ये डूबे नहीं. लेकिन ऑस्टियस थाइस में क्या होता था, इनके पास एयर ब्लैडर है जो इनको बॉयंसी प्रोवाइड करता था. सो आपका ए इज द राइट आंसर. ठीक है बाकी बेटा साइक्लोस्टोमेटा में 16 फेयर पिल गिल स्लिट्स आ जाते हैं, इनके पास जॉ नहीं है, एग्नेथा में आता है, सकिंग माउथ है. ये बिचारी ये क्या करती है, आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, मरीन से फ्रेश में स्पॉनिंग करने के लिए जाते हैं, फिर जो इनके लार्वे हैं धीरे धीरे मैच्योर होके वापस ओशन में आ जाते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, कोई बात नहीं श्वेता, नो नीड टू से सॉरी. चलो अभी आप लोग मेरे साथ दे रहे हो बना ये क्वेश्चंस, तो एग्जाम में गलती मत करना. ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे. चलिए चलिए चलो बताओ बताओ. हाँ 5th का गायब, क्या गायब, 5th का ए ए ओके ओके. बी भी आया है आंसर, बी भी आया है डी. चलो देखते हैं अनुप्रिया भी बी. चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे, ये कह रहा है कौन सा कॉर्डेटा का है. अब देखिए यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द टाइम. सो हमारे पास यूरोकॉर्डेटा सेफालोकॉर्डेटा होता है. यूरोकॉर्डेटा पहला होता है, इनके पास लार्वल स्टेज में प्रेजेंट हेड टू टेल नहीं है बेटा, सेफालोकॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है. सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई. इनवर्टिब्रेटा
नोटोकॉर्ड यस केवल एम्ब्रियोनिक में है, उसके बाद वो वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है. सो बी इज द राइट आंसर. सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोलो एंड हॉर्सल होता है. सी इज द राइट आंसर. ये बोला है कॉर्डेटा तीन में डिवाइड है. ट्यूनिकेटा बेटा दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. वर्टिब्रेटा कहां गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. गुड इवनिंग अखिल. डी आप सही है. चलिए बच्चे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टार्ट करें फटाफट. चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स बताएंगे. अब देखिए हो सकता है कुछ कुछ आपको इसमें याद ना हो. जो याद है बच्चे उस पे फोकस करिए, उस पे फोकस करिए. गुड गुड श्वेता. चलो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर. ओके तो शुभांगी का आंसर आया सबसे पहले बी. शिवाशीष का भी आया है बी. अजीत यस यू आर ऑलवेज राइट. चलो इसका आंसर बताओ. ओके बी आया है 557 का. चलिए और कौन कौन देगा? साक्षी सिंह बी, साहिब सिंह बी, सोनम, शुभम, एवरीवन. चलो भाई फिर तो बी ही होगा है ना. कौन गलत कर सकता है तुम लोग के सबके आंसर. चलो देखते हैं. हेलो बेटा गौतम, चलो चलो आ जाओ. सुमंत आ जाइए बच्चे, जल्दी से आ जाइए, क्वेश्चंस के आंसर कीजिए. चलिए सो सिंस एवरीवन इज वेरी सेइंग बी, सो बी ही होना चाहिए. देख लेते हैं यार बी को मैं मैच करती हूँ सीधा. ए के साथ फोर्थ, वेरी गुड. ये लॉकस्ट में होता है. अडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एकाइनोडर्मेटा एस्टेरियासिस स्टारफिश. तो बी का हाँ बी का हो गया फर्स्ट. ठीक है बुक लंग्स बेटा स्कॉर्पियो में होती है एंड बायोल्यूमिनेसेंस टीनोफोरा दिखाते हैं, दैट इज टीनोप्लेना. सो बी इज द राइट आंसर. वेरी गुड. चलो देखिए यार इस क्वेश्चन इस चैप्टर को पढ़ने का एक ही तरीका है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना. क्योंकि इवन अगर आपको याद हो जाए ये देखना कि आपको याद है कि नहीं है वो तो क्वेश्चन करके ही पता चलेगा. तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखो आज अपने आप को. क्वेश्चन नंबर सेवन बेटा मैच द फॉलोइंग, ज्यादातर मैच द फॉलोइंग ही है. चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बताइए. हेलो बच्चे हेलो. यस बेटा हंटर किंग आवाज नहीं आनी, आ रही है? आप एक बार चेक कीजिए बच्चे सबको आ रही है. देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम विद योर सिस्टम. एक बार देखो. अभिषेक बी यस. चलिए नाउ आई वांट क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर. लियो हेलो बच्चे. चलो प्रीति का आंसर आया है ए, शिवाशीष का आया सी. सेवेंथ का और कौन आंसर देगा? ओके साक्षी सिंह सी, अभिषेक सिंह सी, गुरु सी, सुधांशु सी, देवीलाल बी, प्रीति ए. चलो भाई देखते हैं रंजीत सी. तो मुझे ज्यादातर साहिब वगैरह सबका आंसर सी मिल रहा है. शुभांगी इज ऑल्सो, लियो इज ऑल्सो, जया इज ऑल्सो. चलो देखते हैं सी सही है कि नहीं. मैक्सिमम बच्चे सी कह रहे हैं. चलो देखिए बेटा पिल्ला मोलस्का में बॉडी जो है वो हेड, एक उसका विसरल ऑर्गन, उस विसरल हम, और उसके बाद उसके पास फुट होता है मस्कुलर फुट. माउथ में उसके पास रेडुला होता है. सो ये बिल्कुल सही है, ये इसका स्पेशल पॉइंट है. ठीक है नेक्स्ट बेटा उसके बाद क्या बोल रहा है. अब देखो जो तो बिल्कुल ईजी है, प्लियोब्राकिया में पता है बेटा कॉम्प्लेट्स होते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल इजी है. टीनिया आपको पता है फ्लैटवर्म है, और प्लैटी एलिमेंटस के पास फ्लेम सेल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए. अब बचता है ये वाला पॉइंट, अगर आपको याद नहीं हो तो बेटा इंसेक्ट है, इंसेक्ट के पास मालफीगन ट्यूब्यूल्स होते हैं. तो ये हो गया. तो आपका अब है ए का सी, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड. यस बेटा ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट. Yes, चलिए क्वेश्चन नंबर एट. वन मोर मैच द फॉलोइंग. आई होप बेटा आपको ये दिख रहा है. चलिए बताइए. आपकी बार एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बच्चे, उन एग्जाम्पल्स को देखिए जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद है. फाइजेलिया, प्लेनारिया, पिनेक्टेडा, ये तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर एट बेटा.
बच्चे अभिषेक बच्चे, देखो बात तो हम हिंदी में कर रहे हैं ना, लेकिन बेटा ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश मीडियम की क्लास है। हिंदी मीडियम की अगर आपको क्लास देखनी है 12:30 बजे होती है, 8 का भी चलो, साक्षी, सूफी, साहेब, ओके, सुधांशु, वेरी गुड, मोमीन, वेयर आर यू फॉर सम डेज, बी ए कह रहे हो, चलो देखते हैं, नीट एस्पिरेंट कहता है बी, चलो बहुत अच्छी बात है, मनीषा, शिवशीष, अपर्णा, रॉय, सोनम, एवरीबॉडी इज सेइंग बी, तो बी ही आंसर होना चाहिए, यश भी कह रहा है, चलो भाई देखते हैं, बी कह रहा है फर्स्ट का थर्ड, यस बेटा दिस इज एकाइनोडर्मेटा। अब अगर ये बहुत बच्चों को एग्जाम्पल याद नहीं है तो बेटा अब देखिए फाइजालिया, सीलेंट्रेटा, आपको पता है कि ये फॉर्म चेंज करता है, हाइड्रा वाला, पॉलीपैन मेड्यूसा वाला, देन बेटा बचता है पिनैक्टेडा, पिनैक्टेडा इज इन मोलस्क, प्लेनेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट रीजनरेशन जो दिखाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, प्लैटीहेलमिंथिस। सो बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे 2018 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि वो छोटा है, उसके बाद उसने एक लार्वल स्टेज आई है, उसके बाद बेटा वो अडल्ट स्टेज में आता है, सो एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है उसकी बॉडी की डेवलपमेंट में। नाउ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस, अब देखो हो सकता है बाकी नहीं पता हो, लेकिन ये तो पता होगा ना किस में तो नहीं होता है। यस, डायरेक्ट डेवलपमेंट किस में, यस बेटा पिंकी यू आर राइट, सोनम बच्चे एक बार दोबारा देखो, सेवाशीष इज राइट, ए वाला बेटा, यस वेंकटेश बेटा, एक बार और क्वेश्चन को देखो, देखिए यार अर्थवर्म, अर्थवर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्या आपको लार्वा दिखता है, ये गंदे से वैसे ही वैसे लगते हैं, गंदे से कीड़े से, है ना, कितना गिनौना सा, कहां उसका जैसा छोटा कोई अलग दिखता है फिर बड़ा अलग होता है, सो देयर इज नो लार्वल स्टेज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एनालीड्स में आता है, पैरापोडिया होते हैं इनके पास, सीटे होता है इनके पास, है ना, यस वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे बेटा, 10वां क्वेश्चन का आंसर वेरी सिंपल, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके पास क्रॉप और गिजार्ड होता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार ये जो याद करना होता है। चलिए 10th का आंसर बच्चे, हेलो बच्चे राजकुमारी, शुभांगी, यस कॉकरोच है 10th का आंसर, चलो आ जाओ आ जाओ, यस बिल्कुल सही, ये तो बहुत सिंपल था, ये याद करना होता यार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके पास है ना क्या हो, नहीं बच्चे नो बेटा शुभांगी, एव्स में होता है, बर्ड्स में होता है क्रॉप एंड गिजार्ड, प्लीज इसको याद करो, ये मैंने क्या बोला, सबके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिर्फ उन्हीं के अंदर होता है, ऐसे ही एव्स में उनकी हॉलो बोन्स, फेदर्स, न्यूमेटिक बोन्स, क्रॉप और गिजार्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। चलिए बेटा कोई बात नहीं बच्चे, हुआ लेट, नाउ यू कैन ज्वाइन द क्लास, अभी हमारे पास 20 क्वेश्चंस और हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ होमियोथर्म, होमियोथर्म नहीं है, यानी बच्चे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, तो आपको 2-3 वाला चेम्बर्ड वाला हार्ट, 2 या 3 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट नहीं होना चाहिए, और वर्टिब्रेट होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 11, अब आंसर इसका डी भी आया है, बी भी आया, मैं समझ सकती हूं यहां पे गलती हो जाएगी क्योंकि नाम याद नहीं हो पा रहे होंगे बेटा, इनके नाम ना बिल्कुल इनके नॉर्मल नेम जैसे हैं, इनके कॉमन नेम जैसे हैं, देखिए चलिए देखते हैं बेटा, ये जो नाम है ना
मैं इसको ठीक से बोल नहीं पाती लेकिन मुझे देख के पता लगता है. सो दिस पिस्टैक्यूला, ठीक है, हाउ यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, यू कैन प्रोनाउंस इट. मेरे साथ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है इसको बोलते बोलते हमेशा. बट बेटा प्लीज कुछ चीजें ना, इफ यू इवन यू डोंट रिमेंबर द स्पेलिंग. सो इस चैप्टर में यार एग्जाम्पल्स का बड़ा खेल है. आपको नाम एक होता है ना कि पिक्चर, किसी चीज को आप रोज देखते हो तो वो देख देख के दिमाग में घुस जाता है. सो ये जो रेप्टाइल्स, या ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रही हूं, ये जो आपका, यस दिस इज मिट्टू, पैरेट, कुछ जो होते हैं ना आपके, जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स, इन चारों के बेटा सारे साइंटिफिक नेम और उनके कॉमन नेम एक पेपर में लिख लो. हो सकता है आपको याद नहीं हो, याद नहीं करना, उसको डेली रीड करो. हो सकता है आप उसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो जो आप उसको डेली देखोगे ना तो आपको उसके नाम छप जाता है. ये मुझे ऐसे ही छप जाता है कि ये पैरेट है, किलोन, टर्टल, मैक्रोपस, मार्सुपियल्स जो होता है एक, कंगारू, कैमिलस नाम से पता लग रहा है, कैमल. सो इन सभी में दिस बर्ड्स इज फोर चेम्बर्ड, ये दोनों चार चेम्बर्ड मैमल्स, ये बेटा थ्री चेम्बर्ड का है, टर्टल है, ये रेप्टाइल है. तो ऑब्वियसली बेटा आपके पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. Yes, वही बोल रही हूँ, साइंटिफिक नेम की वजह से गलत हो जाता है. सो इसका बेस्ट तरीका यही है यार. देखो ट्रिक भी अगर याद करोगे तो नाम तो उसमें याद करने ही पड़ेंगे ना. सो मेरे को तो इसका बेस्ट तरीका यही लगता है, सिर्फ इनके नाम, बाकी के तो आप नाम से ही याद कर रहे हो, सिर्फ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, क्योंकि कॉमन नेम आप उन सबके जानते हो. आप उनको एक पेपर में लिख लो और उनके नाम उनके सामने लिख लो और उसको डेली देख लो, आज से लेकर के जब तक तुम्हारा पेपर आता है नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12. यस बेटा सोनम, यस, चलिए. गुड इवनिंग बच्चे अनुराधा, आराधना, सॉरी. चलो चलो आ जाओ इसका आंसर देंगे. चलो बिल्कुल गलत, सही बात है, देंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर. रवि बच्चे 12:30 बजे पार्सल क्लास लेंगे एंड पूजा मैम क्लास लेती हैं, ठीक है, तो आप उसमें अटेंड कर सकते हैं. चलिए बेटा इसका आंसर कौन देगा, 12th का डी बोल रहे हैं, अपर्णा रॉय एंड अपर्णा आपका आंसर. ओके अपर्णा, अपर्णा रॉय दोनों डी बोल रही हैं, सोनम डी बोल रही हैं, मन ओके, प्रीति डी, पिंकी डी, शुभम डी, ऑल राइट, उधर अजीत, साक्षी, आराधना, अखिल, साहेब, चलो बहुत बढ़िया, सुधांशु, यस, शिवाशीष, व्हाट्स योर आंसर, साहेब, चलिए अनामिका, वेरी गुड यार. अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12. सबने डी दिया है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमी कॉर्डेट शेयर विथ कॉर्डेट. आर यू राइट, आंसर इज डी. बेटा हेमी कॉर्डेट क्यों थोड़ा थोड़ा कॉर्डेट में था, बाकी उसको अलग कर दिया, नोटोकॉर्ड होता है इनमें एक स्टेज में. यस बेटा, शिवाशीष एंड पिंकी अब सब सही है. अब कहां से बी आंसर निकल रहा है, बी इज द राइट आंसर, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स. ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमी कॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट्स. एब्सेंस लिखा है बेटा यहां पे, नोटोकॉर्ड, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स. फर्क कितना है, कॉर्डेट्स में लेटरल होते हैं, हेमी कॉर्डेट में डॉर्सल होता है. बी, यस, बिल्कुल सही. चलिए
अब देखेंगे इसका आंसर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक तो चलता है गलत, है ना। चलो 13th का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13th। सी, यही तो पता लगता है कि एग्जाम में ऐसे जल्दी से रीड नहीं करना है, एग्जाम में टाइम भी नहीं लगाना, पहली बार में ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। वेरी सिंपल, ये तो यार बच्चों को दे सकते हैं वाला क्वेश्चन, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैमल मैमल मैमल। थर्टींथ, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बी सबसे ज्यादा आ रहा है। चलो देखते हैं बेटा, डॉल्फिन सी और ट्राइगोन। बेटा मैमल पूछा है, वेल डॉल्फिन सील्स, बिल्कुल सही आंसर है, शार्क्स भी नहीं होते। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स, हॉर्स का ऑर्डर। अब ये हो सकता है कुछ बच्चे भूल जाएं, इक्वस, इक्वस का, इक्वस कैसे बोलते हो। अच्छा हॉर्स का किस में याद करते हो, एवोल्यूशन में याद करते हो, एवोल्यूशन में एनसीईआरटी में तो दे नहीं रखा, लेकिन एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन में बोल दिया एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। तो यहां पे ये तो बेटा याद होना चाहिए, 14th का, यस बेटा, नाम से पता लग जाता है, बेटा नाम से पता लगता है। अच्छा सुनो सुनो, जिसको नहीं आता, एनिमल का जो ऑर्डर है, कोई भी किसी का ऑर्डर आपको याद होगा, ह्यूमन का ऑर्डर याद है, ह्यूमन का ऑर्डर क्या होता है, फैमिली और फैमिली गेट सिक में ओ ऑर्डर फैमिली, इट एंड्स विथ द ऑर्डर नेम, यूजुअली एंड्स विथ किस लेटर से एंड होता है बच्चे, ऑर्डर ऑर्डर। नो नो नो, सब गलत बोल रहे हो, सब गलत बोल रहे हो। अच्छा सुनो, ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, ह्यूमंस में सेपियंस, जीनस होमो, ऑर्डर किससे एंड होता है, ऑर्डर का लेटर कैसे एंड होता है, होमिनिडी, फैमिली इज होमिनिडी। अब बताओ इसका आंसर, यस वेरी गुड, द आंसर इज ए, अवनीत, अपर्णा, पिंकी, सोनम, ओके बेटा, आंचल, यस वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा कुमार, अनमोल आ जाइए, यस। प्राइमेटा, प्राइमेटा बेटा ऑर्डर, हम इंसेक्टा हमेशा ए से एंड होता है, इनमें से पेरिसोडैक्टाइला, ए से यही एंड होता दिख रहा है, ये डी है मुझे पता लग रहा है, ये फैमिली है, इक्वस इक्वस फेरस स्पीशीज और उसके जैसा, दिस इज द स्पीशी, दिस इज द सब स्पीशी, ऑर्डर पता लग जाता है ए से एंड होने वाला, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, कुछ कुछ हो सकता है याद ना हो, उसमें थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजेलेटेड सेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी इनके पास सेल्स होते हैं, जो भी इनके ऑस्टिया ऑस्टिया पोर्स ऑसिकुलम द ओपनिंग कैविटी द स्पॉन्जोसील्स, और उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं जिनमें फ्लैजेला होता है, जो बेटा वाटर को मूव कराता है उनके अंदर, यस वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ऑसिक्यूला तो कुछ नहीं है, मेसेनकाइमा सेल्स इज डिफरेंट जो इनके बीच में प्रेजेंट है, ऑस्टिया बेटा दैट इज दी पोर्स जो इनकी बॉडी में है, क्वानोसाइट्स इस तरीके के फ्रेजिलेटेड सेल, मान लो ये कैविटी है तो मान लो अब यहां पे एक ऑस्टिया है इस तरीके से प्रेजेंट होता है। चलिए बेटा यस क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द ऑल। क्वेश्चन नंबर 16 और हां 16 का आंसर देंगे। यस बेटा उसका सपने सही दिया है, अब इसका आंसर देंगे 16। बिल्कुल सही वर्षा, प्रीति, सौरभ एक बार और देखो, सोनम, डॉक्टर सोनम, अपर्णा, यस बेटा रंजीत, मनीषा, साक्षी, अवनीत बच्चे एक बार और देखिए, साहेब, गुरु बेटा एक बार और देखो क्वेश्चन को, शिवाशीष बच्चे एक बार क्वेश्चन और देखो, अजीत सही है, साहेब सही है। चलिए बेटा एक बार चलिए, हाँ ठीक है, बी बी अवनीत, अनामिका और पिंकी, शिवाशीष, रंजीत, यस बेटा सूफी, सो बी वाले अखिल, अवनीत, ये बच्चे बिल्कुल 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 सही हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, साइक्लोस्टोमाटा बड़े बिचारी जिंदगी सी है इनकी, ना कोई जॉ है, गंदे हैं, पैरासाइट जैसे हैं, सकिंग माउथ है इनका, ओशंस में रहते हैं स्पॉनिंग के लिए, फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहां पे जाके मर जाते हैं और उसके बाद लार्वा दोबारा से ओशन में आते हैं। ये बेटा इनके पास ये जॉ भी नहीं है, एग्नेथा के अंदर आता है और ये डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन, ऑप्शन नंबर बी। ऑल रेप्टाइल्स नो बच्चे, क्रोकोडाइल के पास फोर चेंबर हार्ड होता है, ये क्लास नाइन्थ में याद करते हो, यस और नो, क्लास नाइन्थ में सबको याद होती है एक्सेप्शंस। बी चलो कोई बात नहीं, हाँ बेचारे हाँ मुझे भी ऐसे ही दुख हुआ था जब मैंने पढ़ा था, और कॉन्ट्रेस्ट था इसका बड़ा दुख होता है मुझे, बेचारे तैरते रहते हैं तैरते रहते हैं तैरते रहते हैं, कौन सी मूवी है फाइंडिंग डोरी, तैरते रहो बस यही कहानी है उनकी, बेचारे को पास एयर ब्लैडर नहीं है। चलो यार ठीक है, चलो देखते हैं, यस गुड बेटा यस, चलो नाउ इज क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इजी क्वेश्चन, बर्ड्स और मैमल्स पे कोई क्वेश्चन आए और किसी का गलत ना हो ये तो हो नहीं सकता। चलिए बेटा गुड, जिसका राइट है वेरी गुड, स्पॉनिंग अवनीत बच्चे अंडे देना, मतलब वो जब रिलीज करते हैं बर्थ जब दे रहे हैं ना, मतलब नॉट यंग वन बट जब वो रिलीज कर रहे हैं अपने सारे एग्स वगैरह, यस बेटा आर्यन, वी हैव दिस मच स्टूडेंट फॉर इंग्लिश मीडियम क्लासेस, कांट हेल्प, ठीक है, पर जितने बच्चे आ रहे हैं वो उतना अच्छे से पढ़े वो हमें चाहिए बस, लेट्स नॉट फोकस ऑन द नंबर्स, लेट्स सी ऑन द क्वालिटी, ठीक है चलिए ओके 17th का नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल, बेटा जो बर्ड और मैमल में दोनों में नहीं होता यार, बहुत गलत आंसर दे रहे हो, बहुत गलत आंसर दे रहे हो, अरे रुक जाओ एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा एक कैरेक्टर जो बर्ड और मैमल के बीच में शेयर नहीं होता, No, C is wrong. C is wrong, बच्चे क्वेश्चन नंबर 17th का दोबारा से देखिए। चलिए यस वर्षा, साक्षी, नो शुभम, नो यस 557, अनामिका, अवनीत,
सूफी। यस बेटा, बर्ड्स तो अंडे देती हैं, ओवी पैरस होती है, मैमल्स तो वीवी पैरस होते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप लोगों ने गलत करा है। कैसा लगा, मजा आया इतना इजी क्वेश्चन गलत करके? प्लैटीपस तो एक्सेप्शन है ना मैमल्स की, उसके पास सब कुछ है। प्लैटीपस इज एन एक्सेप्शन जो कि एग देता है, इसको कहा ही जाता है एग लेइंग मैमल। और ये तो बेटा एवोल्यूशन में आप पढ़ते हो, ये कनेक्टिंग लिंक है, बिटवीन कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। Which of the following characteristics of features always holds true for group of animals? तो यहाँ पे animals दे रखे हैं और features दे रखे हैं, आपको बताना है जो सही है। Always holds true without any exceptions। कोई नहीं बेटा, 18th का आंसर दो। हंसी क्यों आई? चलो, हां जी बेटा, बच्चे प्रीति प्लैटीपस इज ओवीपैरस, बट दैट इज एन एक्सेप्शन ऑफ मैमल्स। क्वेश्चन अगर जनरलाइज पूछ रहा है कि मैमल्स और आपके एप्स में क्या डिफरेंस है ऐसा, तो यार मेल्स मैमल सारे वीवीपैरस होते हैं एक्सेप्ट प्लैटीपस। सिमिलरली उनके अंदर सारे वीवी ओवी पैरस होते हैं, सो दैट विल बी दी पॉइंट। यस ओके, इसका 18th का ए, कोई बल्दे बोल रहा है, सी बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, अरे 19 तो क्वेश्चन आया ही नहीं मनीषा। सी ओके, सो मैक्सिमम स्टूडेंट सेइंग सी। देखें फिर, चलो व्हिच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18th, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। यस, कॉन्ड्रोसाइट्स के पास हमेशा कार्टिलेज का होगा, रेप्टाइल्स के पास फोर चेंबर्ड हो सकता है, मैमल्स के पास प्लैटीपस है। सी बेटा हमेशा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19th, Which of the following features is not present in phylum Arthropoda? Arthropoda में बेटा इसमें से कौन सा नहीं प्रेजेंट है? बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th, 16 में। पानी पी लूं मैं, चलो आंसर दो। यस 19th, यस यस करेक्ट करेक्ट है बॉस, बिल्कुल सही है यार। पैरापोडिया तो एनिलीड्स में होता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडिया में होता है। चलो मेटामियर्स, पैरापोडिया, सीटे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 20, बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल्स। सेल्स का बस एक मेश वर्क है, इंटरनल कैविटीज हैं उनकी बॉडी में। ओके, ये तो मुझे यहीं से पता लग गया कौन है। लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, कैविटी जो कि लाइन है फ्लैजिलेटेड सेल से, जो कि फूड सबको घुमा डालती है, उनके अंदर सारा पानी खाना सब कुछ। बेटा किसके अंदर होता है ये? क्वेश्चन नंबर 20,
यस, शिवाशीष ने सबसे पहले दिया है सही आंसर, अपर्णा ने दिया है ओके, जया ने दिया है ओके, और शुभम ने दिया है ओके, और मेरे यूट्यूब वाले बच्चों चलो 557 सब यस, उधर साक्षी ने दिया है डी, चलिए राजीव यस बेटा, सुधांशु यस यस, अवनीत बिल्कुल सही, सूफी सब सही हैं, सब सही हैं, बिल्कुल सही हैं, पॉरीफेरा अगेन, पॉरीफेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, बड़ा इजी सा है, ये तो याद भी हो जाता है, तो वही क्वाइनोसाइट्स की बात कर रहा है, स्पॉन्जोसील की बात कर रहा है, और ये पॉरीफेरा में होता है। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 21, मेटाजेनेसिस, सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था मेटाजेनेसिस और मेटामॉर्फोसिस में कंफ्यूज मत होना, मेटाजेनेसिस बेटा एक फॉर्म, अच्छा हिंट देती हूं, पॉलिप और मेड्यूसा वाला एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, क्या होगा? 21, हेलो अनिरुद्ध, चलो भाई ट्वेंटीएथ का आंसर, ए आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, अरे 21 का, सॉरी वो हाँ बिल्कुल सही बेटा, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस में चेंज हो जाते हैं, सो हमने पढ़ा था सीलन ट्रेटा के अंदर होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 22, अ जॉलेस फिश, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से उसी पे क्वेश्चन आ गया है भाई, बिचारी पे, वो बिचारी फिशेज जिन पे हमें तरस आया था, बेटा मुझे संस्कृत नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है वैसे, चलो आंसर दो, बी डी यस यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको प्लीज याद रखेंगे सारे बच्चे, बिल्कुल सही, पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्परी भी कहते हैं, वही बेचारे साइक्लोस्टोमेटा, ऐसे बेचारे नहीं है, बड़े गंदे भी हैं वो, सकिंग होते हैं, मारते हैं बाकी फिशेस को। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वीवी पैरिस, लो आ गया तुम लोगों का क्वेश्चन, आ गया इजी सा क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बच्चे, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23, विद्या यस यू आर राइट, चलिए बेटा जो भी क्लास में लेट आया है, नया बच्चा है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, ये क्लास डेली 4 PM पे होती है, मंडे टू सैटरडे डेली, नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं हम एक एक करके, चैप्टर वाइज चैप्टर, हम बेटा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करेंगे, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको इसी क्लास में दूंगी, बट उसके लिए आपको क्लासेस डेली अटेंड करनी पड़ेंगी। चलिए बिल्कुल सही, द आंसर इज प्लैटिपस, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस क्वेश्चन। Now is question number 24. हाँ ये देखती हूं, ऐसा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है बेटा लैंड पे, आपको पता है इंसेक्ट लैंड पे आ गए, आर्थ्रोपोडा लैंड पे जब आए, तो उनमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर आया जो उनको लैंड में रहने पे मदद कर रहा है, अब तक एक्वेटिक थे, थोड़ा थोड़ा गीला मतलब पानी में रहना ये सब करना, बट अब जब इंसेक्ट्स लैंड पे आ गए, सो कौन सा ऐसा फीचर उनके पास आया जो लैंड में रहने में मदद कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, यस बेटा रंजीत, अपर्णा, शिवाशीष यस, सौरभ चलो, और सुधांशु चलिए, साक्षी बिल्कुल सही बेटा, 24th क्वेश्चन है, प्रियंका
चलो, मेरा नाम शिवांगी है यार बच्चे, रवि, ठीक है? चलो, yes, the answer is exoskeleton. काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है और ये एक्सोस्केलेटन उनको एक तरीके से लेट्स सपोज उनकी बॉडी खराब नहीं हो, सुकड़ ना जाए, मतलब सूखे ना, तो उनको वो मदद मिलती है लैंड में रहने के लिए. तो दैट इज सबसे पहले यहाँ पे इसीलिए आया, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. ये क्या बोलता है? सिलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन्ड. अच्छा नाउ बेटा, हो सकता है आप कुछ कुछ बच्चे ये भूले, लेकिन ध्यान रखना सबसे सिंपल चीज जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं. स्टार्टिंग से आ जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग से. डेसिकेशन से बचाता है. यस, राइट. नाउ एक ऐसा फाइलम जो कि मरीन और एक्वेटिक दोनों में मिलता है, उन दो को आप जानते हो, देखते हो मूवी में उन एनिमल्स को, पढ़ रहे हो उसको बचपन से. कौन से हैं जो फ्रेश में भी हैं और मरीन में भी हैं? बेटा एकाइनोडर्मेटा कैन नॉट बी द आंसर. ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में. यस गुरु, अवनीत, कुसुम, मोटिवेशनल, यस शिवाशीष, यस बेटा सूफी, यस डी वाला बच्चा सही है. डी वाला बच्चा बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल. साक्षी बी टीनोफोरा. टीनोफोरा में जरा याद करो, बायोल्यूमिनेसेंस वाले, ये केवल ओशंस में मिलते हैं, केवल मरीन वाटर में मिलते हैं बेटा. बच्चे नाइडेरियंस 25 का, अरे यार एक तो ये 25 का होगा डी, क्योंकि नाइडेरियंस जेलीफिश, हाइड्रा बेटा ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं ना, इनके कुछ स्पीशीज, और इनके कुछ एनिमल्स मरीन में भी हैं. बाकी बेटा सारे मरीन. सिफेलोकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा बेटा दे आर कंप्लीटली मरीन. कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट बेटा. यस क्वेश्चन नंबर 26. प्लेनेरिया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th में पढ़ते हो. प्लेनेरिया क्या होगा? इनमें से किस कौन सी प्रॉपर्टी उसके पास बड़ी बेहतर है? और हाई कैपेसिटी ऑफ व्हाट? कोई बात नहीं, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 26. Everyone is right. Regeneration. यार ये बहुत जल्दी regenerate होते हैं. इनको true regeneration दिखाते हैं. ये term भी पढ़ते हैं हम. चलिए question number 27. बेटा तीन question रह गए हैं. The marine cartilaginous fish that can produce electric shock. तो कौन, शुरू में बताया था मैंने, कौन है जो electric और poison वाला, वो दो नाम तो बड़े easily याद होते हैं. Electric fish कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 27th बेटा. आंसर यस बेटा बी. बेटा ट्राइगोन बच्चे अपना, ट्राइगोन वॉज पॉइजन स्टिंग, ये इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28. अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैच करना है बेटा. इसको आपको दे रखे हैं फाइलम्स और ये क्लास है. चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ये तो बहुत सिंपल है. यस नो 28
हाँ हाँ 28, 28 का आंसर बचे। पढ़ो। कोई नहीं कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, डोंट नीड टू बी सॉरी। एंटीटर एकाइनोडर्मेटा, ध्यान से देख लो भाई एक बार बच्चे। ए इज द राइट आंसर। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सेट्सी फ्लाई, सिल्वर फिश, इंसेक्टा में आती हैं सारी। ए इज द राइट आंसर। सी सी फ्लाई। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। कौन सबसे पहले आंसर देगा? विच ग्रुप बिलोंग टू द सेम फाइलम? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सबसे पहले कौन देता है? एक उधर और उधर दोनों जगह में देखूंगी, ठीक है? और आंसर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर आगे नंबर नहीं लिखा। शिवाशीष ने इधर सबसे पहले दिया है। चलो बहुत अपर्णा, रॉय, अपर्णा, बाकी सबने भी बहुत तेज दिया है, जया वगैरह, सोना मदनान, चलो वहां पे अनिरुद्ध ने, रविया, ओके साक्षी डी, चलो आ जाओ भाई। बिल्कुल सही है, प्रॉन, स्कॉर्पियो और लोकस्टा, ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। सो विद दिस बेटा हम ये क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। नाउ वी आर डन विद ऑल द चैप्टर्स, अब हम स्टार्ट करेंगे कल रिप्रोडक्शन यूनिट को। तो बिल्कुल तैयार है रिप्रोडक्शन यूनिट के साथ? चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन यूनिट। उसके बाद उन चार चैप्टर्स के बाद बेटा स्टार्ट होगा प्लांट फिजियोलॉजी। चलिए, सो मिलते हैं, यस, बाय बाय एंड गुड इवनिंग, गुड लक।